सब कुछ लोड हो चुका है तो देखा तो आज का देखते करना। और अगर बीच में मैं खांसने लगूं तो भाई माफ करना कि मेरा गला भी ठीक नहीं हुआ है, भले ही दो एपिसोड बीत चुके हैं। तो ये रहा स्टील रिवर टाउनशिप लॉग्स टू द वर्कर्स। तो देखा जाए तो भाई उठाना कहाँ से, क्या दोनों यहीं से उठाने पड़ेंगे? ये है कौन सी जगह? उड़ी भैया जितना सोचा था इससे ज्यादा बदतर है, और हमें डिलीवर कहाँ पे करना है यार? ये बार बार मैं जॉयस्टिक यूज कर रहा हूँ। एक डिलीवर यहाँ करना है और एक डिलीवर करना है। अजीब बात है, कुछ बता क्यों नहीं रहा है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ठीक है। हम लोग फिर यही करेंगे, ज्यादा दूर तो नहीं लग रहा है क्या? नहीं लगता तो नहीं है, लेकिन टाइम लेगा। सो दिखा तो पहले हम आपसे लोडिंग वाली जगह पे मिलते हैं। पहले मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ, लोडिंग वाली जगह पे मिलते हैं। और इस बार लगता है मैं दो ट्रक्स का इस्तेमाल करूंगा, और उसके बाद फिर जाने के लिए मैं यहाँ से जाना मुश्किल होगा, वाकई मुश्किल होगा यहाँ से जाना। तो मैं शायद वापस घुमा के वापस यहाँ से फिर, तो नहीं ये रास्ता नहीं, वही रास्ते से फिर वही घुमा के लेके आऊँगा, लेकिन वो समय नहीं खा रहा ना, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सीधे सीधे आपसे क्या नाम था, स्मिथ वाले टाइम में आपसे मुलाकात होगी। तो ठीक है, एंड इस बार मैं दो ट्रक का इस्तेमाल करूँगा, एक ये और एक ये। सो हाँ, तो सब कुछ पहले मैं तैयार कर लेता हूँ। तो पहले इसको तैयार कर लेते हैं फटाफट। हाँ मानता हूँ शुरू शुरू में हैंग हो रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ कह नहीं सकते। ये रेडी हो गया एंड अब इसकी बारी दूसरा ट्रक की। अगर बीच में कुछ गड़बड़ हुई हुई और आपको कुछ अलग दिखेगा तो समझ लो भैया कि मैंने गड़बड़ की है। और कोई है क्या भाई लॉक जैसा? ना वाई लीव गैरेज एंड इसको फटाफट कर लेते हैं। ओके चलते हैं, अब चलते हैं। मैं शायद इसके आगे लगाने की कोशिश करूं। ठीक है देखते हैं चलता है कि नहीं। अब उसका इंजन ऑन है, अब उतना दम नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है तो फिर आपसे सीधे आगे चल के लोडिंग साइड में मुलाकात होगी, तो वीडियो को थोड़ा फास्ट किया जाए। ओके सो वी आर हियर एंड जैसे कि मैंने कहा था एक दिक्कत हो गई, ये असल में वापस पूरा घुमा के ले गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं माउस से थोड़ा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे असल में थोड़ी दिक्कत हो गई है। असल में मुझे ये वाला क्रेन नहीं लेके आना चाहिए, मतलब ट्रेलर नहीं लेके आना चाहिए, मुझे ये वाला लेके आना चाहिए, क्योंकि अब मैं इसको इस तरह से इसमें इस तरह से इसमें लोड कर सकता हूँ, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कर सकता, और ये वाकई भारी है। तो हाँ मिशन आज का लंबा चले, तो अब मुझे भी वैसे ही लेके आना पड़ेगा घुमा के, भाई मेरा टाइम बहुत खर्चा होगा। तो मैं जल्द ही आपसे अब मुलाकात होगी मेरी सीधे सीधे क्या नाम है स्मिथ वैली डैम के पास, आज यही नाम होगा स्मिथ वैली डैम में। तो भाई सब कुछ लोड लाड करके वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी, तो भाई लेट्स गो।
हाँ, मुझे इसी की उम्मीद थी क्योंकि वाकई साइज काफी ज्यादा बड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, हल्लू हल्लू, कि हमारे पीछे एक और ट्रक है बस। तुम्हारा अटैच विंच, लगा दिया एंड अब आपको रफ्तार देखने मिलेगी। एक मिनट, यस, अब आपको रफ्तार देखने मिलेगी। क्यों भाई, मैं पूरे वीडियो में इसको नहीं दिखाना चाहता। तो भाई यही है इसकी मैक्स स्पीड, बस ये इससे ज्यादा तेज नहीं भागने वाला। आ भी रहा है, आ रहा है। तो भाई इसी वजह से मैं नहीं दिखाना चाहता था, वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती। सो ये भाई हमें लेके आना होगा, ठीक है ऐसे ही चलते हैं। वरना ज्यादा पीछे का दिखाऊंगा तो मुझे फिर दिखेगा नहीं, और अगर इतने लोड पे कंट्रोल होया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे फ्यूल कितना अपने पास? फ्यूल आधा हो गया। मैं आगे चल के अपने दूसरे जो क्या नाम है उसका, बैकअप वाला जो ट्रक है, मतलब बैकअप नहीं कह सकते, जो मतलब वही बचाने वाला जो ट्रक है, मैं उससे कर लूंगा। फ्यूल ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। यस, देख ही सकते हैं आप कितना ज्यादा रफ्तार है इसका, जबकि पीछे का इंजन चालू है। ऐसा लग रहा है लगभग ये रुकने ही वाला है। फ्रंट व्यू से भी काफ़ी अच्छा दिखता, लेकिन दिक्कत है कि मैं फिर देख नहीं पाऊंगा ना कि भाई आगे क्या आने वाला है। अगर इस गेम के सिनेमैटिक ट्रेलर जैसे मैं अगर देख पाता था तो भाई मैं दिखाता, लेकिन पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। एंड अब हल्का सा रफ्तार बढ़ा है, ये अच्छी बात है। हाय हाय, इंजन को लगा। ओके, अब मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, आपके सामने फास्ट कर दूंगा। माफ कर रहा हूँ थोड़ा, इसको अब भी कन्फ्यूजन रहता हूँ कि भाई करना कैसे है। ठीक है, इसका हो गया, अब इसकी बारी है। ओके, सब कुछ सही है एंड अटैच विंच हो गया एंड लेट्स गो।
अब कम से कम दिक्कत नहीं होगी कि भाई आगे चल के मेरा फ्यूल खत्म होगा। मगर हाँ, यही है इसकी रफ्तार। इसी वजह से मैं इसको पूरे रास्ते नहीं दिखाना चाहता था। थोड़ा सा रफ्तार बढ़ेगा, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा दिया, क्योंकि मतलब जब दो ट्रक एक साथ लगे होते तो फिर पावर काफी अच्छे से मैनेज करना जरूरी होता है। अब बस मुझे यहाँ पे अच्छे से जाना है। बिना गिरे गिराए, बिना पलटे पलटाए, यस वो भी आ गया आराम से। ओके, तो अब जो भी साथ में चलना था जहां तक ही था, अभी थोड़ा डिटैच करते हैं एंड अपना अकेला का रास्ता शुरू करते हैं। अपना फटाफट पहले माँ कर लेता हूँ, माँ माफ करना, अभी तक मेरी खांसी ठीक नहीं हुई इधर से। भगवान लेट्स गो। लगता है वाकई इस बार ज्यादा वेट है, इसको थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। इस वजह से मैंने उस ट्रक को पीछे रखा था कि ये ट्रक इन हालातों में निकलने का दम रखता है, ना कि वो वाले ट्रक। ना बिना AWD के नहीं हो पाएगा। इस बार मैं इसको सच में हाई पे लेके आने से हिचकिचा रहा हूँ कि माल जो है काफी दूर से आया है। ओके चलते हैं। जो सबसे पहला मार्ग है मुझे वहां पे बच के रहना हो कि वहां पे ये धसता है, पता नहीं क्यों लिंक धसता है ये।
बस हम लोग डेंजर एरिया से बाहर आ गए, अभी यहाँ से तो आराम से निकल ही जाएगा। मेरे ख्याल से वेट के साथ सही थोड़ा अलग एंगल पे इसको उठा जा रहा है, इसके वजह से ये ज़्यादा दम ना लगा पा रहा हूँ, क्या पता।
जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा टाइम ले रहा है। आई होप दूसरे वाले मुझे इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। मैंने बस एंड में भाई इसको भागा है। सो बाय अनलोड। ओके अब माफ करना, सॉरी ये नहीं, ये हो गया इंटरनेशनल ये वाला। ओके अब आगे बढ़ते हैं सीधे बिना अंदर गिरे। इसमें हाई का नहीं, ये अजीब लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। खैर अच्छी बात है, मैं इसको ज्यादा भागा नहीं सकता। अब मुझे याद है इसमें जो गियर बॉक्स है वो हाई लगा है कि कौन सा लगा है मुझे नहीं पता।
ओए होए सस्पेंशन टायर की लगी। अब जो रास्ता वो थोड़ा सा मुझे डराएगा लगता है, देखते क्या होता है। अब यहां से टर्न लेना मेरे लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ओके होल्ड इट, मैं भाई पहले फटाफट मार्क कर लेता हूँ। वन ना, यहाँ से नीचे आना बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है। थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ठीक है चलते हैं। ना सवाल ही नहीं उठता कि मैं उधर से जाऊंगा। ये वाला लोड वाकई ज्यादा है और मैं इसको लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता। बढ़ रास्ता गलत टर्न लिया तो बनेगा अपना पास्ता। होल्ड इट, अगर मैंने यहां से टर्न लिया तो नहीं हो पाएगा। आराम से भाई, इतने पास आके मैं कुछ चाहता नहीं गड़बड़ हो जाए। तो भैया सेकंड एंड लास्ट वाला लॉन्ग लॉग्स अनलॉक्ड, लॉक्स टू द वर्कर्स, नाउ वी कैन रिसीव आवर वर्क, थैंक्स फॉर योर हेल्प भाई साहब। तो भाई पहला वाला डिटैच ट्रेलर, डिलीट ट्रेलर, अबे गलत वाला कर दिया, कोई नहीं, एंड रिकवर। एंड अगला वाला ये भी कर लेते हैं फटाफट, सॉरी डिटैच ट्रेलर, डिलीट ट्रेलर एंड रिकवर, एंड फाइनल वाला भी
वॉर ऑन जो भी वगैरह नाम है इसका, डिटैच ट्रेलर, डिलीट ट्रेलर एंड री कवर। वो आज का मिशन थोड़ा सा ज्यादा मतलब दिमाग सर दर्द करने लगा, लेकिन चलो काम तो हो गया अपना। तो बट थैंक यू सो मच फॉर जोड़ो आज का वीडियो, बस इधर था। होप आपको मजा आया होगा, देखा तो आपने देख लिया कि इस वाले को कैसे यूज करना है। आज पहली बार हम लोग ने इसको यूज किया, तो हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जो कि आगे चल के हम लोग ने फिक्स की। तो आपसे याद रहेगा भाई कैसे क्या क्या यूज करना है। ये लॉन्ग वाले के लिए है, एक और जो हम लोग ने पहले यूज किया था वो शॉर्ट वाला था। तो सो अगर आज का मेरा वीडियो पसंद है, रमर गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज लाइक ठोको, नए हो पहले मेरे चैनल के फ्रेंड लोगों को प्लीज सब्सक्राइब ठोको, शेयर करो फ्रेंड लोगों के साथ एंड प्रोवेगन फॉर डेली अपडेट्स। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी स्नो रनर के किसी और एकदम ऐसे ही थका देने वाले वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टाटा बाय।